टू कौन सा? अच्छा स्टेप्स बताएं मैं, 1 2 3। स्टेप वन में एजिंग कर ली, स्टेप टू में परसेंटेजेस अप्लाई की, स्टेप थ्री में हमने उसका एस्टिमेट कर लिया, वो स्टेप 1 2 3 है। ये अब वही है कि पिछले मंथ्स में हमारे पास, हमने एस्टिमेट किया 1350 का, 500 हमारे पास पिछले महीने का बैलेंस आ रहा है कि सरप्लस था हमारा एस अलाउंस, तो इस महीने फिर हम 1350 नहीं, हम 850 खाली उसमें ऐड करेंगे। ये उस केस में जब सरप्लस, अगर 1350 था और पिछले महीने में नेगेटिव आ रहा था फिर वो उसमें और ऐड हो जाएगा। देखें अकाउंट जो है ना, अकाउंट्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगी जब तक आप एंट्री नहीं बनाएंगे। अकाउंटिंग रिकॉर्ड में कोई भी चीज़, हम रफ पेज पे मैं कुछ भी बना लूँ, बनाता रहूँगा, उससे मेरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड में, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या उसके, जब तक मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा उनमें फिगर्स चेंज नहीं होंगे। तो ये सारे आपको साथ साथ फिर इसकी एंट्रीज भी बनानी पड़ती हैं, जो भी आप ट्रीटमेंट करते हैं उसको, क्योंकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड में एडजस्टमेंट करनी है ना, वहाँ पर आप तभी करेंगे जब एंट्री बनाएंगे, फिर उसमें चेंज आएगी। ज़्यादा मैं अकाउंटिंग में नहीं जाता इसलिए कि आपका अकाउंटिंग का कोर्स है नहीं है, बस आपको ओवरव्यू देना है। अकाउंटिंग का कोर्स हो तो फिर मैं आपको मज़ीद इसमें बताऊँगे जी इसमें एडजस्टमेंट्स कैसी होती हैं। ये दूसरा मेथड है परसेंटेज वाला, कि इन्होंने कहा जी 1% हमारा बैड डेट्स हो सकते हैं, तो 1% के हिसाब से उन्होंने कैलकुलेशन कर ली और वही उसकी एंट्रीज आ गई हैं। जनरल एंट्रीज के बारे में आप छोड़ दें, वो अकाउंटिंग का पार्ट है। आपको सिर्फ ट्रीटमेंट समझ आना चाहिए कि भाई दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट आउट राइट ऑफ का मेथड है, एक जो है वो अलाउंस क्रिएट करने का मेथड है। और अलाउंस क्रिएट दो तरीके से होता है, एक परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड है, एक जो है वो एजिंग मेथड है। परसेंटेज सेल्स मेथड में सिंपली आप एक परसेंटेज एस्टिमेट करके अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस कर देते हैं, एजिंग के अंदर आप डिफरेंट एज ग्रुप्स बना के उसमें से वो माइनस कर देते हैं। अकाउंट रिसीवेबल्स को मैनेज करने के दो और तरीके आ जाते हैं जी, एक तो क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट कार्ड के थ्रू सेल्स। क्रेडिट कार्ड थोड़ा सा सिक्योर होता ना, क्रेडिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड ये कि आप अपना क्रेडिट बैंक के ऊपर डाल रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा जितने आप देखें ना शॉप्स हैं, कैश एंड कैरी कोई भी शॉप, सब क्रेडिट कार्ड को प्रेफर करते हैं। डायरेक्ट चेक कोई नहीं लेगा, आप कहें जी मैं चेक ले लें, चेक भी तो दे सकते हैं ना आप, वो चेक नहीं लेते, वो कहते हैं ये दे दें क्रेडिट कार्ड पे हम पेमेंट कर ले। क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट होगी तो फिर आप, वो बैंक आपका रिस्पॉन्सिबल हो गया ना, अब आपका बैंक से ताल्लुक है, आपका उस कस्टमर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक तरीका आपका अकाउंट रिसीवेबल्स को हैंडल करने का ये है कि आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करवा लें। दूसरा इसका तरीका ये फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल्स, फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल्स का तरीका ये है, मैं उसको आपकी एग्जांपल देता हूँ कि मैं जब अमेरिका के अंदर था तो मेरी एक आँख में ना थोड़ा मसला हो गया, तो मैं एक हॉस्पिटल में चला गया, उन्होंने देखा, ट्रीटमेंट वगैरह किया, ये वो काफ़ी लंबा सारा उन्होंने बिल बना के दे दिया। तो मैं परेशान था, मैं स्टूडेंट वीज़े पे था, मेरा तो उतना बजट ही नहीं था। मैंने कहा यार ये, मैंने वहाँ के जो लोकल बंदे थे जानने वाले उनसे मैंने कहा यार ये तो बड़ा बिल है, ये कैसे पेमेंट होगी इस बिल की? तो कहता है ये तो कोई मसला नहीं है, आप वहाँ पे उनको नोटिफाई कर दें, अपना वीज़ा स्टेटस बताएं कि जी मैं तो स्टूडेंट वीज़े के ऊपर हूँ, मैं इतना पेमेंट नहीं कर सकता, मैं इसको इंस्टॉलमेंट्स में पे करूँगा, और इंस्टॉलमेंट आप अपनी मर्ज़ी की रखवा सकते हैं। अब वो $2000 का बिल है, तो मैंने कहा अरे आप $10 रखवा लें, $10 पर मंथ दूंगा मैं इसके, ठीक है ना? तो वो क्योंकि आपका वीज़ा स्टेटस है ना डॉक्यूमेंट, बस अच्छा वो क्या करते हैं, अब ये उसके लिए मसला ना, हमारे लिए तो काम आसान हो गया, हमने तो इंस्टॉलमेंट में कर लिया, चल भाई अगले 20 महीने देंगे, $10-$10 देते रहेंगे। अब जिसने रिसीव करना है उसके लिए दर्द सरी होगी ना, 20 महीने वो ट्रैक रखता रहे, पैसे आए नहीं आए, नहीं आए तो रिमाइंडर दे क्यों नहीं आए, अगले महीने फिर डबल, लंबा खाता बन गया ना। वो क्या करते हैं, वो जो हॉस्पिटल वाले वो क्या करते हैं, वो ये जितने इस तरह के हैं ना पैसे लेने वाले पैसे, वो वहाँ पे कंपनीज बनी हुई हैं, कलेक्शन कंपनीज, वो उनको बेच देते हैं, वो कहते हैं जी ये आप जाने, लेट्स से उनकी इस तरह की जो अमाउंट है वो 50,000 की है जो उन्होंने कलेक्ट करनी है, 50,000 की कलेक्शंस है, वो जो कंपनी है वो उनसे 30,000 में या 35,000 में वो सारा ख़रीद लेगी, कि जी आपको हम 35,000 कैश देते हैं, ये हम रिकवर करना हमारी जिम्मेदारी है। हॉस्पिटल का फ़ायदा ये, उसको 35,000 कैश मिल गए, दर्द सरी कोई नहीं है, मिलते हैं नहीं मिले, नहीं मिलते ना मिले, वो अब वो जाने कंपनी कलेक्शन वाली और जो पेयर है वो जाने। उस कंपनी का फ़ायदा ये कि उसने अगर सारे कलेक्ट कर लिए तो 15,000 सीधा सीधा प्रॉफिट उसके ऊपर,
अगर वो सारे सारे नहीं भी होते, 40,000 भी हो गए, 35 भी, जितना भी वो उससे ऊपर कवर करेंगे वो उनको प्रॉफिट है। दिस इज कॉल्ड फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल्स, कि अकाउंट रिसीवेबल्स को आप आगे थर्ड आउटसोर्स थर्ड पार्टी को दे देते हैं कि भाई आप कलेक्शन आपकी जिम्मेदारी है, आपको कैश मिल गया। जैसे ये जो कार पार्किंग वाले सेंटोरस में या जहाँ भी कार पार्किंग या टोल प्लाजे वाले हैं, वो भी इसी तरह ऑपरेट करते हैं ना। वो उन्होंने लमसम अमाउंट दे दी है NHA वालों को या जिसको भी, जो भी गवर्नमेंट का, उसको उन्होंने पूरे साल का पेमेंट, अब वो कलेक्शन करते रहेंगे, हो सकता है उससे डबल कलेक्ट कर लें, उससे 3 गुना कलेक्ट कर लें, वो जितना ऊपर कलेक्ट करेंगे वो उनको फायदा है, वही उनकी उसमें इनकम है। अच्छा अच्छा वो उनकी इनकम है, सही है। दैट्स ऑल जी, पर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की सारी चीज़ें, थ्योरी वाला पोर्शन तो यही है, अभी न्यूमेरिकल रहते हैं तो वो फिर इंशाल्लाह ब्रेक के बाद करेंगे। तनवीर साहब को वैसे भी नींद आ रही है, चलें जी ब्रेक कर लें 15-20।